ये हैं कंवल सिंह चौहान, सोनीपत के अटेरी गांव के प्रगतिशील किसान। खेती करने का इनका अंदाज, इनकी सोच और आगे बढ़ने का तरीका इन्हें भीड़ से अलग करता है। कंवल सिंह प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए वे प्राकृतिक रूप से खेती करते हैं और गाय को देव तुल्य मानते हैं। 30 एकड़ में खेती करने वाले कंवल सिंह के पास गाड़ी, बंगला, सब कुछ है। जेब में भरपूर माल है, लेकिन फिर भी ये रासायनिक उर्वरक के कट्टे लाकर खेतों में नहीं डालते और ना ही कीटनाशक छिड़कते हैं। कंवल सिंह देसी तरीके से खाद तैयार करते हैं और वही खेतों में डालते हैं। ये 2002 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती हमने 2002 में शुरू की। प्राकृतिक खेती कह लो या जैविक खेती कह लो या ऑर्गेनिक खेती, इसकी ट्रेनिंग हमने KVIC से, खादी ग्राम उद्योग आयोग से 2002 में ली थी राजघाट पर। उसके बाद हमने पहले केचुआ खाद बनाना शुरू किया, बायोगैस प्लांट लगाया और उसके बाद हमने प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दी। अभी आप कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास अपनी ज़मीन 6 एकड़ है, परंतु हम 30 एकड़ पर खेती करते हैं और बाकी पट्टे पर ली हुई है। तो ये 30 एकड़ में जो आप खाद डालते हैं वो कैसे डालते हैं? प्राकृतिक खेती से करते हैं पूरी खेती? लगभग सारा प्राकृतिक खेती से करते हैं, क्योंकि हम मशरूम की खेती करते हैं जिसमें हमारा स्पेंट कंपोस्ट निकलता है जो 500 टन के लगभग होता है, उसे सबको खेतों में डाल देते हैं और साथ में बायोगैस सैलरी भी डालते हैं। तो इस तरह से हम खेती करते हैं, तो हमें इसमें कीटनाशक या रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ती। कंवल सिंह ने एक बार प्राकृतिक खेती को गले लगाया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंवल मानते हैं कि कम लागत में अच्छा खाद हमें गाय से ही मिल सकता है। देसी गाय भी रखी हुई है, पहले हमारे पास 40 गाय थी, वे HF थी उसमें, उनको बेच निकाल दिया है, कुछ बची हुई है और ज़्यादातर हम देसी गाय की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देसी गाय के मूत्र में और गोबर में जो गुणवत्ता है वो इसमें HF में नहीं है। तो हमने यहाँ बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है, बायोगैस प्लांट में से गैस पर प्रयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, और जो बायोगैस सिलरी बचती है उसको खेतों में पानी के साथ बहाते हैं ताकि सारे पूरे खेत में सिलरी चली जाए, तो उसका सिस्टम बनाया हुआ है पानी के साथ थोड़ा थोड़ा जाने का, उसी से खेती करते हैं। इसके अलावा हमने मशरूम पैदा करते हैं लगभग 10 एकड़ में। पिछले इस साल हमारे 60 झोपड़ी थी मशरूम के लिए, उसमें लगभग 500 टन मशरूम का स्पेंट कंपोस्ट निकलता है जो हम खेतों में डालते हैं, इस जो हमारी जैविक खेती में काम आता है। वैसे तो एक गाय के गोबर मूत्र से 4 एकड़ खेती हो सकती है, और यदि किसी किसान के 4 एकड़ घर में एक भी गाय है तो वो उससे पूरा जैविक खेती कर सकता है। लगा पाना बड़ा असंभव सा है, क्योंकि हम जो इंटीग्रेटिव फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं, वैसे हर किसान के पास जो है ना अपना घर का चारा होता है जी, घर का ही चून वगैरह जो बचता है घर में, घर का भोजन बचता है वो, और साथ में हरा चारा हो गया, भूसा हो गया। गाय के गोबर से ही कंवल सिंह गोबर गैस प्लांट भी चलाते हैं और उससे निकलने वाली स्लरी का खेतों में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा बायोगैस प्लांट है, इसमें यहाँ से हम गोबर डालते हैं और उसके द्वारा हुद्दी के द्वारा गोबर इसमें डाइजेस्टर चैम्बर में जाता है, चैम्बर के बाद वहाँ से जो है बायोगैस सिलरी निकलती है जिसे हम अपने खेतों में ले जाते हैं और यहाँ से बायोगैस जाती है। वे मानते हैं कि उर्वरकों और कीटनाशकों से पैदा किया गया अनाज बहुत खतरनाक है और इससे मुक्ति मिलना बेहद जरूरी है। ये कीटनाशक तो बहुत नुकसानदेह है, इसने हमारा जो पानी पीते थे, हम जो भूमिगत जल पानी पीते थे वो पीने लायक नहीं छोड़ रहा है और ना ही अनाज को खाने के लिए छोड़ रहा है। हम ये बात सही है कि उत्पादन एक समय आया, उत्पादन बढ़ा था हमारा, परंतु अब एक तरह से जहरीला भोजन जो हम कर रहे हैं इससे मुक्ति समाज को जरूर चाहिए। कंवल सिंह मुख्य रूप से को
मशरूम, मिर्च, पालक, तोरई, गेहूं आदि की फसलें उगाते हैं। महज मशरूम की खेती से ही 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेते हैं। कंवल सिंह आसपास के गांवों के किसानों से भी माल खरीदते हैं। कंवल सिंह का कहना है कि हमने कम से कम मूल्य निर्धारित कर रखा है, जिससे किसान भाइयों को नुकसान न हो। हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है जो हमने मॉडल तैयार किया किसानों के बीच में, यहाँ के किसान बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर की खेती करते हैं। हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की सहायता से ये यूनिट लगाई है प्रत्याप के नाम से, और इससे पहले एक इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट के नाम से भी है। इन यूनिटों में हम जो है किसानों को बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर का मिनिमम गारंटी प्राइस हमने दिया हुआ है। जैसे कि मशरूम यदि हम खरीदते हैं तो कम से कम 50 रुपये किलो जरूर खरीदते हैं, इसी तरह बेबी कॉर्न का रेट भी 50 रुपये किलो है, टमाटर का 5 रुपये किलो है, स्वीट कॉर्न का 7 रुपये किलो है। यही नहीं कि यही प्राइस है हमारा, यदि मार्केट तेज होती है, मंडी में महंगा होता है तो हम किसानों से महंगा भी खरीदते हैं, मिनिमम तय करके से डिमांड है, ये तो मिनिमम गारंटी मूल्य है। चौहान साहब का नाम अटेरनी और आस पास के गाँव में बड़े अदब से लिया जाता है। कंवल सिंह से अटेरनी समेत आसपास के गांवों के हजारों किसान जुड़े हैं। ज्यादातर किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। किसान अपना माल कंवल सिंह की फूड प्रोसेसिंग तक भेजते हैं। और उन्हें यहां वाजिब दाम भी मिल जाते हैं। हजारों से ज़्यादा संख्या में किसान जुड़े हुए हैं, 4-5 गांव के जो किसान हैं आसपास के, वो हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। वो जरूरी बात है कि यहाँ के लोग बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की खेती कर रहे हैं, जिससे सारा साल हरा चारा मिलता है, हरा चारा पशुओं को खिलाते हैं, पशुओं की संख्या बढ़ी है, पशु यदि घर में होंगे तो गोबर भी मिलेगा, गोबर से खेती होगी, और खेती यदि हम जैविक खेती करेंगे रासायनिक से मुक्ति मिलेगी और खर्चा भी कम होगा। इसी तरह का बदलाव यहाँ आसपास के 4-5 गाँवों में आया है। हाँ, बेबी कॉर्न खेती आम किसान ही करता है, जो हमारे यहाँ देहकड़ का किसान है वो भी बेबी कॉर्न की खेती करता है। वो खेत से बेबी कॉर्न तोड़ के लाता है, उसको छीलता है, छीलने के बाद बेबी कॉर्न यहाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री भेजता है या आजादपुर मंडी भेजता है, जो छिलका निकलता है उसे पशुओं को खिलाता है, जिससे पशुओं के दूध भी बढ़ता है और पशुओं का स्वास्थ्य भी सुधरता है। कंवल सिंह सह फसलों को भी बेहद जरूरी मानते हैं। वे कहते हैं बेबी कॉर्न की जो खेती है वो शॉर्ट टर्म खेती है, ये 70 दिन में खेती समाप्त हो जाती है, और अगर सर्दियों में 100 दिन लग जाते हैं तो 1 साल में 3 फसल आराम से ली जा सकती है इसकी। उनकी तो खेती में बदलाव करना भी जरूरी है, तो बेबी कॉर्न बेचते हैं बोते हैं कभी तो दूसरी फसलें उसके साथ में बोना चाहिए, और यहाँ मिक्स खेती करते हैं बेबी कॉर्न के साथ जो है मेथी खेती करते हैं, और इससे किसान तो 1 लाख रुपये का सालाना आमदनी हो जाती है। कंवल सिंह चौहान ने अटेरनी गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी। यहीं से प्रोसेसिंग होने के बाद कॉर्न यूके और यूरोप के देशों में जाता है। कंवल सिंह आज ऐसी शख्सियत है जिनके पास नेपाल तक से लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। हाँ, यहाँ 3 बैच नेपाल से आए हैं, नेपाल के किसान 15-15 किसान, कभी 10 या 12, कभी 15 किसान यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जो यहाँ की खेती सीखने आते हैं। इसके लिए हमें जो नेपाल एम्बेसी है उसका खर्चा वो देते हैं। वो यहाँ की खेती, मशरूम की खेती, बेबी कॉर्न की खेती प्रोसेस है, जैसे अभी पीछे एक बैच आया था, अभी वो आलू कैसे पैदा होता है, आलू का प्रोसेस कैसा होता है, आलू चिप्स कैसे बनाए जाते हैं, आलू से क्या क्या बना सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेकर यहाँ गए हैं। कंवल सिंह का खेती करने का फंडा एकदम क्लियर है। वे चाहते हैं कि खेती कोई भी करे लेकिन उसे बिजनेस की तरह नेचुरल खेती कर पैसा कमाए। कंवल सिंह इंटीग्रेटेड खेती पर जोर देते हैं। हमारी खेती मुख्यतः जो है एक
बिजनेस व्यापारी खेती, मतलब खेती से ज़्यादा आमदनी क्या ले जाए, हमारा मॉडल ये है। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को कैसे अपनाया जाए, एक हमारा ये मॉडल है। जैसे कि हमारे पास पशु है, बायोगैस है, बायोगैस सैलरी से खेती करते हैं, मशरूम की खेती करते हैं, उससे सपेंट कंपोस्ट निकलता है, उसे खेतों में डालते हैं, खेतों से चारा चारा भी निकलता है, फसलें भी होती है, वो फिर दोबारा पशुओं के काम आते हैं। हाँ बिल्कुल, पैसा कमाएं, नेचुरल तरीके से कमाएं, जहर की खेती हम लोग ना करें, प्राकृतिक खेती करें। और ये प्राकृतिक खेती टिकाऊ खेती भी है और कम खर्चे की खेती भी है। अटेरनी गाँव के ज़्यादातर घरों में आपको बेबी कॉर्न छीलते हुए मिल जाएंगे। यहाँ के अधिकतर किसान बेबी कॉर्न के कृषक महिलाएं इन्हें छीलती हैं, जिससे उन्हें पशुओं के लिए हरा चारा मिल जाता है। बेबी कॉर्न जी, भाई आप उगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कितनी जमीन है आपके पास? जी 3.5 किले। 3.5 किले? हाँ, एकड़। एकड़ 3.5 एकड़ में ये बेबी कॉर्न ही करते हैं? हाँ, बेबी कॉर्न जी। तो ये कहाँ बेचते माल अपना? जी आजादपुर भी और कौल प्रधान जी गया। और प्रधान जी के यहाँ? हाँ जी। कितने पैसे देते हैं? 50 रुपये किलो जी। 50 रुपये किलो देखते हैं। तो आप साल में कितनी बार काट लेते हैं फसल? साल में जी मैं तो जी सर्दी सर्दी लगाता हूँ बस। बस जी। कितना मुनाफा हो जाता है एक साल में? एक बार की फसल में जी। हाँ, एक बार की फसल में लगा लो जी 1 एकड़ में 70,000 रुपये का किलो बैठता है। एक ही बार में, एक फसल में खाली 70,000 रुपये 1 एकड़ से? 1 एकड़। तो बाकी क्या करते हैं? बाकी जो इसमें मूंग लगा देता हूँ, फिर धान लगाता हूँ। तो टोटल 1 एकड़ में कितना कमाई कर लेते हैं एक साल? 1 एकड़ में जी ऐसे लगा लो साल भर की होगी जी 1 लाख से ऊपर। ऊपर बुल्ली छिल रही हूँ भाई मैं। अच्छा, चारा रोज भी छिल जावे, तीसरे दिन भी छिल जावे। क्या भाव बिकता है? रेट के ऊपर बात है, 40 भी 45 भी 50 भी, अब 60 जा रही है। कंवल सिंह करीब 10 एकड़ में मशरूम की खेती करते हैं और उसका कंपोस्ट खेतों में ही डालते हैं। आप जो देख रहे हैं, अपने सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ मशरूम के सेट लगे हुए थे, मशरूम की झोपड़ियाँ थी यहाँ, जिसमें मशरूम ख़त्म हो चुकी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये मशरूम का सेपेंट कंपोस्ट है, इसमें मशरूम पैदा हो गई, अब ये बच गया है, ये जैविक खेती में काम आता है। इसको सब यहाँ से उठाकर खेतों में डाल दिया जाएगा और इससे जो है ये एक तरह से कंपोस्ट है जो मशरूम के बाद बचा है, इसे खेतों में डालकर ये खाद का प्रयोग में लेते हैं। ये मशरूम का सेटअप हमारा 10 एकड़ ज़मीन में है और इसमें इसको जो डालते हैं, इस 10 एकड़ से जितना कंपोस्ट पैदा होगा इसको हम 50 एकड़ में डाल सकते हैं। इस तरह कंवल सिंह गाय के गोबर और मशरूम के कंपोस्ट से 30 एकड़ में बड़े आराम से खेती कर लेते हैं। अटेरनी से थोड़ा आगे मंडोली गांव, ये गांव स्वीट कॉर्न की खेती के लिए जाना जाता है। स्वीट कॉर्न में भी कीटनाशकों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। उनकी खेती जो है ये मंडोली गांव में होती है। ये किसान भाई है हमारे श्रवण कुमार जी, ये स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं और ये स्वीट कॉर्न आजादपुर मंडी बेचते हैं। क्या भाव है जी स्वीट कॉर्न, आप क्या भाव बेच रहे हो? 800 की बोरी जा रही है। 800 रुपये की एक बोरी बात जा रही है। एक बोरी में 50 किलो होता है, यानी कि 16 रुपये किलो स्वीट कॉर्न मंडी बिक रही है। परंतु जब मंडी में नहीं बिकता है ये माल, तो हम 7 रुपये किलो अटेरना में ये लोग ले जाते हैं और हम वहाँ इनसे खरीदते हैं। अपने संदेश में भी कमल जी किसान भाइयों से रसायन मुक्त खेती करने की अपील करते हैं। मैं किसान भाइयों संदेश देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 1980 में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड शुरू हुआ। उससे पहले लोग किसान जो है रसायन खेत में नहीं डालते थे, मतलब कीटनाशक नहीं डालते, खाद तो डालते थे। 1970 के दशक में यूरिया शुरू हुआ था यहाँ डालना। उस इससे बीच में क्या कि एक बार आमदनी तो बढ़ी थी, पर बीमारियाँ ज़्यादा आने लगी। भूमिगत जो पानी है वो गंदा हो गया, जो हम अपने खेत से अपने कुएं का पानी पीते थे तो वो पीने लायक नहीं रहा। इसके बाद लोग जो है उच्च रक्तचाप और शुगर के पेशेंट हो गए, इससे दवाइयों की जरूरत पड़ी। और इसको सबको समझ जब हमने सोचा समझा तो हमने पाया कि ये तो सारा पानी और हमारी जो
खेती करके हमने जो उत्पादन किया है वो जहर उत्पादन किया है उससे कारण हुआ है। तो 2002 में हमने जैविक खेती ट्रेनिंग ली और उसको शुरू किया। तो मैं अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि खेती जरूर करें परंतु जहर की खेती ना करें, एक तरह से अन्न की खेती करें, जहर की खेती नहीं अन्न की खेती करें, और ऐसी खेती करें जिससे आम समाज को, आम मानव समाज को फायदा हो और अच्छा भोजन मिले। मंडोली और अटेरनी में कई संपन्न और मजबूत किसान हैं, बड़े बड़े पॉली हाउस भी हैं। लेकिन इन सब के बीच कंवल सिंह चौहान की अलग पहचान है। कंवल सिंह को मिले यह अवार्ड बताते हैं कि वे बाकी किसानों से अलग हैं। दरअसल कंवल सिंह को प्रकृति से बेहद लगाव और वे पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। उनके घर में लगा यह बोर्ड उनके इरादों को जाहिर करता है। जाहिर है प्रकृति और पर्यावरण से हमारे बीच होंगे तो माटी की सेहत भी सुधरेगी और समाज भी सेहतमंद बनेगा। काम करके सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन किसी खास मकसद के साथ आगे बढ़ने की कला हर कोई नहीं जानता। कंवल सिंह चौहान एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो मकसद है देश की माटी को रसायन मुक्त, जहर मुक्त करने की दिशा में शानदार हो।